नहीं बताते मौलवी साहब जल्दी है? क्यों भाई, अहले बैत के जिक्र से क्या परेशानी है? क्यों नहीं बताते उम्मत को अहले बैत की अजमत क्या है? क्यों डरते हो शब्बीर वारसी से कि शब्बीर वारसी हक बता देगा तो तुम्हारे झूठ की दुकानें बंद हो जाएंगी? क्यों घबराते हो, क्यों चिढ़े अहले बैत के जिक्र से? अजीब दुश्मनी है, जहां जो भी अहले बैत का जिक्र करे बोले राबजी हो गए। पूरे पूरी दुनिया में सुन्नी बस यही बचे हैं, जो भी जिक्र अहले बैत करे कहे वो तो राबजी हो गए। अहले बैत की फजाइल बयान कीजिए राबजी हो गए। अजीब तमाशा है भाई, गौसे पाक की अजमत बयान की जाती है, कभी शियत का राबजियत का इल्जाम नहीं लगता। अगर मैं कहूं कि गौसे पाक ने बचपन में 16 पारे कुरान के पढ़ दिए तो मैं सुन्नी, और अगर मैंने पढ़ा कि नबी के गोद में अली ने कुरान पढ़ दिया तो मैं शिया। अगर मैं कहूं कि सरकार गौसे पाक ने ठोकर मारा मुर्दे को जिंदा कर दिया तो मैं सुन्नी, और अगर कहूं कि अली ने ठोकर मारा मुर्दे को जिंदा कर दिया तो मैं राबजी, मैं शिया। अगर मैं कहूं कि गरीब नवाज ने खड़ौन मारा तो खड़ौन आसमान तक गया तो मैं सुन्नी, और अगर मैं कहूं कि मौला अली ने इशारा किया तो कालीन हवा तक गया तो मैं शिया। भाई छोटे मोटे बाबा डंडे शाह लोटा शाह झंडे शाह मुन्ने शाह तोता शाह, ये छोटे छोटी जो दरगाहें बन गई है अभी, इनके फजाइल बयान करो तो सुन्नी, और अली की अजमत बयान करो तो शिया। अरे गौसे पाक की अजमत बयान करने वाले ये मत भूलना कि तू जिस गौस की अजमत बयान कर रहा है उस गौस का बाप है अली। अरे हैदरी, अरे हैदरी, अरे हैदरी, अरे हैदरी, अरे हैदरी। कभी मत भूलना कि तू जिस गरीब नवाज की अजमत बयान कर रहा है उस ख्वाजा का बाप है अली। जिस वारिस की अजमत बयान कर रहा है उस वारिस का बाप है अली। जिस मदार की अजमत बयान कर रहा है उस मदार की का बाप है अली। इन सबों को विलायत तब मिली है जब अली ने विलायत की खैरात ही दे दी है।